लोक जनशक्ति पार्टी के 5 लोकसभा सदस्यों ने रविवार को चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता पद से हटाने का दावा किया है। वहीं उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, जिन्हें अपना नया नेता चुने जाने की संभावना है, ने कहा कि परिवर्तन मजबूरी या एनडीए में रहते हुए पार्टी के पाठ्यक्रम को सही करने की मजबूरी से किया गया था और कहा कि वहाँ किसी पार्टी में विलय का इरादा नहीं था। चिराग के कामकाज की शैली से विद्रोही खुश नहीं है, जिन्होंने 2020 में अपने पिता, लोजपा संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद पार्टी की कमान संभाली थी। चिराग पासवान के खिलाफ विद्रोह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में पार्टी के अलगाव को समाप्त करने का एक प्रयास है, जिसने पिछले नवंबर में बिहार विधानसभा चुनावों में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के खिलाफ लड़ने के लोजपा के फैसले के साथ तेज किया। व्यापक रूप से माना जाता था कि इस निर्णय ने जदयू की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया, जिससे उसकी संख्या 43 हो गई और राज्य में एनडीए की शक्ति लगभग समाप्त हो गई। अगर इतना ही काफी नहीं था तो चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा बुरी तरह फ्लॉप हो गई, केवल एक विधानसभा सीट जीती। पार्टी की अकेली एमएलसी नूतन सिंह इस साल फरवरी में बीजेपी में शामिल हो गईं और अप्रैल में पार्टी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में जदयू में शामिल हो गए। घटनाक्रम से वाकिफ लोजपा नेताओं ने कहा कि पारस को औपचारिक रूप से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय दल का नेता बनाया जाएगा। पारस ने पुष्टि की, हमने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें इन नए घटनाक्रमों के बारे में एक पत्र सौंपा। पारस के अलावा जिन पार्टी सांसदों ने अब चिराग पासवान के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की है, उनमें उनके चचेरे भाई प्रिंस राज, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और समस्तीपुर के सांसद महबूब अली कैसर, वीना देवी और चंदन सिंह शामिल हैं। 2019 के चुनावों में लोजपा ने 6 लोकसभा सीटें जीती थी। पारस ने कहा कि बिहार चुनाव से पहले पार्टी में शामिल किए गए कुछ नेता मुख्य रूप से किए गए गलत विकल्पों के लिए जिम्मेदार थे। पार्टी के 99% नेता और कार्यकर्ता एनडीए में रहना चाहते थे और बिहार विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ना चाहते थे। हालांकि कुछ लोगों से प्रभावित होकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया और पार्टी को हुए अपमान के बारे में सभी जानते हैं। यह एक गलत फैसला था और आज विधानसभा में लोजपा का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। हालांकि पारस ने किसी भी पार्टी के साथ विलय से इनकार किया। उन्होंने कहा, पार्टी बरकरार है, सिर्फ नेतृत्व बदला है। लोजपा, जिसे 2000 में स्थापित किया गया था, 2014 से एनडीए का हिस्सा है और हम एनडीए में बने रहेंगे, उन्होंने कहा और नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा की। वो एक विकास पुरुष, विकास के आदमी हैं। उनके शासन में बिहार का विकास हुआ है और हम इस प्रयास में उनका समर्थन करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।